Hi everyone, to my channel, मेरे channel, Chala, पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन जो कि हम लोगों का टाइम डिस्टेंस का नाइन्थ सेशन है ठीक है तो अपने इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने कॉन्प्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रेन से तो उसी के और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में ठीक है तो जिन लोगों ने इससे पहले वाले आठ सेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस के नहीं देखे हैं वी हैव ऑलरेडी स्पीड डिस्टेंस डू वॉच दिस सेशन टू क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बाकी और भी टॉपिक की प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा ठीक so, है चलिए सो दिस इजर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एम बी पाठशाला आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहां पर मिलेंगे ठीक है सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल क्वेश्चन नंबर एंड दिस इन नंबर एक बार आप लोग इसको रीड करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है

तो फास्टर ट्रेन टेक्स 70 सेकंड्स ठीक है 70 सेकंड्स लिए उसको उसने क्रॉस करने में ऐसे बिल्कुल क्लियरली मैं अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ठीक है इट टेक्स सेवेंटी सेकेंड्स एंड जब वो सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं वो टेन सेकंड का टाइम ले रहे हैं आई होप आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी ठीक है तो बस बच्चे यहीं से हमारा क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा ठीक है हमें बस ये ध्यान रखना है जब भी कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ के साथ साथ दूसरी लेंथ को भी क्रॉस करती है तो अगर भले वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें वो एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करेंगी ये बात ध्यान रखना यानी कि दोनों की लेंथ एड होगी ये ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है तो सेम डायरेक्शन में उनको कितना टाइम लगता है सेवेंटी सेकेंड्स का टाइम लगता है तो कितना सेम डायरेक्शन में सेवेंटी सेकेंड का टाइम लग रहा है इट मीन आपको पता होगा टाइम बराबर किसका है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बराबर किसके होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होता है तो टाइम कितना है 70 का टाइम है है डिस्टेंस कितना दोनों का डिस्टेंस कितना है 150 प्लस 250 और दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी अपने को मालूम नहीं है स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन माइनस सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस होती है ना स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इसको सोल्व लेंगे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पीड ऑफ फास्ट माइनस स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन थ्री फिफ्ट दिस हमारा कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड हो जाएगा ना ये हंड्रेड है तो दिस में आ गई आप लोगों को चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे हम लोग क्या बोला जा रहा है इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगे तो दे टेक्स टेन सेकंड अपोजिट डायरेक्शन को टेन सेकंड लगता है अपोजिट डायरेक्शन हमारी स्पीड क्या हो जाती है एड हो जाती है तो स्पीड हो गई हमारे पास टेन ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस वही ट्रेवल करेंगे 100 plus 250, but हमारी speed क्या हो जाएगी? हाँ पर add हो जाएगी जाएगी, पर तो speed of faster train plus speed of slower train. अगर मैं यहां से थर्टी कितना जाएगा? 35 आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है आई थिंक इन दोनों इक्वेशन को क्लास सिक्स का बच्चा भी इजिली सॉल्व कर लेगा यहां पर दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है फाइव यहाँ पर दोनों का सम कितना है थर्टी फाइव तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना है ट्वेंटी स्लोर ट्रेन का स्पीड कितना है फिफ्टी क्या ये मीटर पर सेकंड में था बिल्कुल तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड ये भी कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड हाँ या ना बोलो जरा इज इट क्लियर टू एवरी वन स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन ट्वेंटी मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज मीटर पर सेकंड गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन तो फिफ्टी ट्वेंटी एंड फिफ्टीन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन आई होप मुझे लगता है बड़ा इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन ठीक है ट्रेन के कॉन्सेप्ट बेस्ड था ठीक है आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ एड होती है बस आपको पता होना चाहिए बच्चे कभी कभी ये चीजें छोटी छोटी चीज भूल जाते हैं ठीक है तो ये चीजें ना भूलें और बड़े बड़े क्वेश्चन भी ना छोटे छोटे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं ठीक है ये देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है ठीक है अ ट्रेन क्रॉसेज टू साइक्लिस्ट ट्रेन क्रॉसिस टू साइक्ट्र सेम डायरेक्शन है ट्रेवलिंगली फाइन देंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बहुत अच्छी बात है एक ट्रेन है मतलब मान लो ये एक ट्रेन है ठीक है ये एक ट्रेन है ये रहा पहला साइकिलिस्ट और ये रहा दूसरा साइकिलिस्ट ठीक है हा इस ट्रेन ने पहले वाले साइकिलिस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस किया इस वाले मानवेस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस किया और इस वाले को 15 सेकंड में क्रॉस किया बात समझ में आ गई पहले वाले साइकिल को 12 सेकंड में क्रॉस किया दूसरे वाले साइकिलिस्ट को 15 सेकंड में क्रॉस किया ठीक है इफ द स्पीड ऑफ द टू साइकिलिस्ट आर टेन किलोमीटर पर आर एंड ट्वेल्व किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली पहले वाले की स्पीड टेन किलोमीटर पर आर है दूसरे वाले की स्पीड कितनी है ट्वेल्व किलोमीटर पर है और तभी तो इसकी स्पीड थी जो हमारा सेकंड साइक्लिस्ट था साइकिलिस्ट वन साइकिलिस्ट टू जो हमारा सेकंड साइकिलिस्ट था ना उसकी स्पीड ज्यादा थी ट्वेल्व किलोमीटर पर आर क्योंकि स्पीड ज्यादा थी तो ट्रेन भी भाग रही वो भी भाग रहा है मतलब दोनों लोग भाग रहे हैं दोनों की स्पीड पहले वाले से स्पीड ज्यादा है सेकंड साइकिलिस्ट की तभी तो ट्रेन को इसको क्रॉस करने में पंद्रह सेकंड लगे तभी तो ट्रेन को इसको क्रॉस करने में पंद्रह सेकंड लगे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ जरा बात समझने की कोशिश करो ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को ठीक है चलिए अगर यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं जरा ठीक है इफ द स्पीड्स इफ द स्पीड ऑफ द टू साइक्लिस्ट आर टेन और इतना वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है और ट्रेन की स्पीड बतानी है बेसिकली जब कोई ट्रेन मान लो ये ट्रेन है, है किसी साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ को ही क्रॉस करती है क्योंकि साइक्लिस्ट की खुद की कोई लेंथ नहीं होगी ठीक है भाई उसकी लेंथ हम निगलेक्ट कर सकते हैं इजिली बट मैंने बताया था जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को किसी टनल को किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को जिनकी एक्चुअल में लेंथ होती हैं उनको क्रॉस करती हैं तो हमें लेंथ को कंसिडर करना पड़ता है ये बात बात आप लोगों को पता होगा ठीक है तो पहले वाले केस में टाइम कितना लगा बारह सेकेंड स्पीड कितनी थी टेन किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं साइकिलिस्ट भी इधर भाग रहे हैं ट्रेन भी इधर भाग रही है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो यहां से देखो जरा क्या रिलेशन बनेगा हम लोगों का ठीक है कितना टाइम था 12 सेकंड था 12 सेकंड में क्या हुआ है लेंथ तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने मान लिया एस स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस टेन ये सब किलोमीटर पर आर में है ये दोनों को किलोमीटर पर आर में है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो वी है ऊपर जंप कर जाएगा कर जाएगा ना यहां से अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूं बच्चों तो यहां से कितना आ जाएगा जरा देख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा पॉइंट ये है इधर सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन को छोड़ दो बाकी सबको इधर ले आओ ठीक है ला सकते हैं इसलिए है। यहां, यहां पर टू आएगा ये इधर आ जाएगा डिवाइड में टू बाय थ्री और आगे कितना बचा हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस टेन इंटू फाइव दिस इज नथिंग दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई बात समझ में आ गई क्या चलो पहले वाले रिजल्ट से दूसरी साइक्लिस्ट को क्रॉस करने में उसको पंद्रह सेकंड लगे तो पंद्रह सेकंड का टाइम लगा ट्रेन ने खुद की लेंथ को क्रॉस किया किया ना खुद की लेंथ को क्रॉस सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है ना उसका यूनिट किलोमीटर पर आर है क्योंकि साइक्लिस्ट का यूनिट भी किलोमीटर पर आर में दिया हुआ है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ट्वेल्व सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस हो जाती है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को 5, uh, 3 से उड़ाओ, यहां पर सिक्स आएगा, आएगा इनको इधर मल्टीप्लाई कर दोन माइनस बारह और इधर आ जाएगा ये आएगा ना फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी तो नाउ वी हाँ रिलेशंस हमारे पास दो तो रिलेशन है जो दोनों के दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को बताते हैं पहला रिलेशन ये रहा जिसको मैं वन नाम दे रहा हूं दूसरा रिलेशन हमारे पास ये रहा जिसको मैं टू नाम दे रहा हूं पहले रिलेशन में लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू ये है अकॉर्डिंग टू द सेकंड रिलेशन दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन नाउ वी कैन इक्वेट देम इनको हम इजीली इक्वेट कर लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा और जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा ना तो यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा स्पीड ऑफ ट्रेन वो निकाल लेंगे हम लोग ठीक है तो वही दोनों चीजें पूछी जा रही है लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ठीक है इन दोनों को इक्वेट करेंगे कर लेते हैं इनको तो हो जाएगा टू थ्री, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा ना यस yes. चलो इसको देखो जरा थ्री वन जा थ्री थ्री टू जिक्स है ना फाइव वन जा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो दिस इज फोर ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन फोर माइनस टेन माइनस फोर्टी हो जाएगा हमारे पास ऑफ ऑफ स्पीड ट्रेन आया ना ये आएगा क्या चलो इसको ले इसको ले आओ आओ इसको इधर तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारे पास ट्वेंटी आ गया अगर लॉजिक लगा पा रहे हो तो आप ये उधर जाएगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन इधर आएगा प्लस सिक्सटी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया ट्वेंटी किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारे पास ट्वेंटी किलोमीटर पर आर हाँ ना हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया ट्वेंटी किलोमीटर पर आर यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है जरा मुझे बताओ इज इट क्लियर टू एवरी वन ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी वन चलो ठीक है हाँ. अब आगे बढ़ते हैं जरा यहां है से ठीक है स्पीड ऑफ ट्रेन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर आ गया तो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इन इक्वेशन इक्वेशन वन में put कर रहा हूं, ST का value, जो कि कितना है ट्वेंटी आया है ठीक है तो ट्वेंटी 10, 10. तो है ना ये आ रहा है ना? Speed of train कितना है? 20 है ना कितना ट्वेंटी माइनस टेन 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 इंटू फाइव तो दिस इज नें हंड्रेड बाई थ्री आ रही है ठीक है, length of train के value. बड़ी छोटी length है लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ रहा है हंड्रेड बाई थ्री आ रहा है देखो जरा एक बार ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या ठीक है थीके? ये देखो जल्दी से जरा इज इट क्लियर टू एवरी ठीक है दोबारा समझने की कोशिश करते हैं दो साइक्लिस्ट थे ठीक है मतलब ये ट्रेन आई इसने ये साइकिलिस्ट है ये साइक्लिस्ट भी चल रहा है ट्रेन की स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन है इसकी स्पीड टेन किलोमीटर पर आ रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन ने कितना टाइम में इसको क्रॉस किया ट्रेन ने इसको क्रॉस किया कितने सेकंड में दस सेकंड में ऐसा बोला जा रहा है अब कितने सेकंड में बारह सेकंड में ठीक है बारह हाँ, सेकंड में क्रॉस किया तो बारह सेकंड तो को क्रॉस किया ना तो टाइम बराबर टेन को किलोमीटर पर आर में था ये भी किलोमीटर पर आर में तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वही काम मैंने यहां पर करा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड है

तो सोल्व करके हमारा ये आ गया हमने इसको फाइव से उड़ाया था थ्री से उड़ा था यहाँ पर फाइव आया पर सिक्स आया इससे मल्टीप्लाई बाई स दिस इज यहां पर हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया है तो दीज आर द टू इक्वेशन जो हमारे पास आ गई दोनों को कंपेयर किया हम लोगों ने यहाँ पर पहली वाली टू थर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ट्रेन इंटू फाइव एंड दिस से माइनस टूल्व दोनों को इक्वेट इक्वेट करके स्पीड ऑफ ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास ट्वेंटी किलोमीटर पर आ ये आ गया ना किलोमीटर पर आ स्पीड ऑफ ट्रेन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप लोगों ने पुट कर दिया ठीक है पहली बात तो ये ये स्पीड ऑफ ट्रेन का वैल्यू है ठीक है हाँ। बात समझ में आ गई हाँ। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास लेंथ आ जाएगा वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दिस ट्वेंटी किलोमीटर पर आ इन मीटर पर सेकंड अगर आप देखो तो हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर दिया था यहां पर हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर दिया था यहां पर अगर आप लोग देख पाओ तो ठीक है और जब स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया ना तो फिर तो आप लोग मतलब आराम से सॉल्व कर सकते हो न ट्रेन का स्पीड कितना है हमारे पास ट्वेंटी किलोमीटर पर आ रहा है टाइम कितना था बारह सेकेंड था लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है अपने को मालूम नहीं है ठीक है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा टेन उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो फाइव फाइटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व वॉल्व कर लेंगे इसको यहां पे तीन आएगा यहां पर यह आएगा सौ बट्टे तीन आ रहे हैं कैसे निकाल लो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कैसे भी निकाल लो एंड हमारे पास तो यहां पर दो इक्वेशन थी ना हम लोग किन्नी भी दो इक्वेशन में पुट कर सकते थे उसको लेंथ ऑफ तो ट्रेन निकालने के लिए यहां पर भी पुट कर सकते हैं कितना आएगा हमारे पास बीस माइनस बारह आठ होता है आठ चार बट्टे तीन हंड्रेड बट्टे तीन आ गए ठीक है थीके? कैसे भी कर लो नॉट अ बिग डील ठीक है इज इट क्लियर टू एवरी वन गस यहाँ तक की बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए सो दिस वॉज अव ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक बार आप लोग ट्वेंटी एट क्वेश्चन को भी रीड करो जल्दी से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है

ठीक है यस। हंड्रेड बाई थ्री एंड ट्वेंटी

ठीक है अपोजिट, अपोजिट है? है।, है अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास वन 45 कितना हो जाएगा, पास? 108 हो जाएगा ये बात बिल्कुल क्लियर है ठीक है तो टाइम कितना लगा 15 लगा सेकंड डिस्टेंस यानी कि दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन प्लस ट्रेन दोनों की लेंथ ऐड हो गई टाइम बराबर डिस्टेंस क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो दोनों की लेंथ ऐड होगी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो हो गया 108 किलोमीटर पर इसको पर इसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको यहां तो पर कितना आ जाएगा बच्चे सिक्स आ जाएगा थर्टी आ गया फोर्टी फाइव इंटू थर्टी कितना होगा फोर फिफ्टी तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन दोनों का सम कितना आ रहा है 450 आ रहा है पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोग

मैं कह रहा हूं कि इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया है अब ये इतनी बड़ी ट्रेन है इसमें किसी एक कंपार्टमेंट में लड़का बैठा हुआ है ये ट्रेन चल रही है इसने देखा कि यार हमने इस बराबर वाली ट्रेन को 40 सेकंड में क्रॉस किया है इस बच्चे का ऑब्जर्वेशन है ये इस बच्चे ने बराबर में चलती हुई ट्रेन को फोर्टी सेकंड में क्रॉस किया है अच्छा ये बच्चा कौन सी ट्रेन में बैठा हुआ है फास्ट ट्रेन में फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है सिक्सटी किलोमीटर पर आर। तो सिंपल सी बात है ना ये बच्चा एक ऐसी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसका स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है तो वो बच्चा भी तो मूव कर रहा है ना वो बच्चा भी तो मूव कर रहा है है लॉजिक लगाओ आप लोग ठीक तो उस बच्चे की स्पीड 63 हुई बराबर वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हुई हमारे पास बराबर वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास फोर्टी फाइव तो बच्चा सिक्सटी थ्री की स्पीड से भाग रहा है क्योंकि ट्रेन भाग रही है बच्चा भी उसमें बैठा हुआ है तो बच्चे भाग रहे हैं ठीक है मान सकते हैं ना हम लोग ठीक है ट्रेन में बैठा हुआ है बच्चा तो बच्चा भी तो उसी स्पीड से मूव कर रहा है, में इनको जाना है ना, में कितनी हो जाएगी एट्टीन किलोमीटर पर आवर टाइम कितना हमारे पास फोर्टी सेकेंड टाइम है फोर्टी सेकेंड टाइम बराबर डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसने स्लोअर ट्रेन को क्रॉस किया है ना

हमने स्लोअर ट्रेन की लेंथ को क्रॉस किया तो टाइम बराबर डिस्टेंस लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन 63 है फास्टर ट्रेन का स्पीड 63 है तो जो उसमें बच्चा बैठा हुआ है उसका स्पीड भी तो 63 होगा ना 63 45 तो ये हो जाएगा 18 है ना और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा

क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई क्या मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है यस yes. चलो तो आई होप इज इट क्लियर टू एवरी ठीक है यह सब आप लोगों को क्लियर है लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन ठीक है और आई थिंक ये हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन तो स्लोअर ट्रेन का ले हंड्रेड है फास्टर ट्रेन का टू फिफ्टी है ठीक है स्लोअर वन स्लोअर का लेंथ कितना है स्लोअर का एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूं आंसर्स ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यस ड्रेड एंड टू फिफ्टी बिल्कुल सही बात है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है स्लोअर स्लोअर हाँ, का दो सौ है और फास्टर का टू फिफ्टी बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई ये मान लो स्लोअर ट्रेन है ठीक है चलो छोटे वाली ट्रेन को स्लोअर मान लेते हैं फास्टर ट्रेन इस फास्टर ट्रेन में एक बच्चा बैठा हुआ है तो इस बच्चे ने ऑब्जर्व किया ये बच्चा मान लो यहां पे शुरू किया इसने देखा भाई यहां, यहां पे आ गया है जो ट्रेन का एंड वाला डब्बा जो होता है देखा यार हमने इस ट्रेन को 40 सेकंड में क्रॉस कर लिया तो ऑब्जर्वेशन बच्चे का था पूरी ट्रेन का ऑब्जर्वेशन जब बोलते हैं टू ट्रेन क्रॉस इच अदर जब दोनों का लेंथ लेना होता है आज फास्टर ट्रेन में एक बच्चा बैठा हुआ है उस बच्चे का ऑब्जर्वेशन है उस बच्चे ने स्लोअर ट्रेन को चालीस सेकंड में क्रॉस किया तो बेसिकली उस चालीस सेकंड में हुआ क्या है स्लोअर ट्रेन की लेंथ को ही तो कवर किया है उस बच्चे ने तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने स्लोअर ट्रेन लिया है उस 40 सेकंड्स में क्या हुआ है ट्रेन की लेंथ को क्रॉस किया है है बट बच्चा भी तो मूव कर रहा ना जितनी स्पीड से फास्टर ट्रेन मूव कर रही है तो फास्टर ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 63 से, और दोनों का सम पहले वाले रिलेशन से पहले वाले रिलेशन से दोनों का सम कितना है था? 450, दोनों का सम फोर फिफ्टी है जिसमें से ट्रेन ट्रेन है है? तो तो होगा। गेटिंग पॉइंट? चलो, ये बात आप लोग आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक तो बहुत ही प्यारा प्यार, मतलब ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है या या में, cat 20, 21 में इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था विल डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियसर क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है ट्वेंटी देखो जरा एक बार चेक इट गए

X Y M and N, और इसका स्पीड कितना है एट्टी फोर किलोमीटर पर आर यह बात आप लोगों को समझ में आ गई इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है इसका स्पीड एट्टी फोर किलोमीटर पर आर एटी took 7 minutes टन मिनट टू क्रॉस इच अदर उन दोनों ट्रेन को सात मिनट लगे एक दूसरे को क्रॉस करने में इट इज क्लियरली मैं वो एक दूसरे की तरफ क्रॉस करे कि अपोजिट डायरेक्शन में उस सात मिनट में क्या हुआ है उस मिनट में क्या हुआ है उस सात मिनट में दोनों ट्रेन ने एक दूसरे का लेंथ क्रॉस किया है दोनों का लेंथ है ना दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को सात मिनट में क्रॉस किया है तो सात मिनट में क्या हुआ है दोनों का लेंथ क्रॉस हुआ है

कितना टाइम में क्रॉस किया कि दूसरे को सात मिनट्स में मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने का है क्यों क्योंकि सब कुछ मीटर सेकंड में क्रॉस करेंगे ठीक है तो सात मिनट्स को सेकंड में क्रॉस करो हो गया डिस्टेंस कितना है दोनों का लेंथ अपने को मालूम नहीं है लेंथ ऑफ द ट्रेन एक्स प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन वाई बट आपकी मतलब मैं बता दू, जित टू तो ट्रेन एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल लेंथ तो अगर ट्रेन एक्स का लेंथ भी एल होगा ना तो ट्रेन वाई का लेंथ भी एल होगा तो उनको एक ही वेरिएबल से डिनोट करो क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है उनको अलग अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है टाइम कन्वर्ट तो करो यू हैल्टीप्लाइडी फाइव बाई एन से मल्टीप्लाई करा तो एट टाइम्स आ जाएगा यहां पर ये आएगा ना आया ना जहां तक मैं सही कर पा रहा हूं यस yes, ये आएगा एट आ गया इधर ठीक है इधर देखो कितना हो जाएगा ये फिफ्टी सिक्स इंटू सिक्स यहां पर थर्टी आ जाएगा फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री कितना आ जाएगा हमारे पास सोलह सो अस्सी एल का वैल्यू आ रहा है तो एक लेंथ का वैल्यू सोलह सो अस्सी है एक लेंथ का वैल्यू सोलह सो अस्सी है ठीक है हाँ ये आया हमारे पास एक लेंथ का वैल्यू सोलह सौ अस्सी वेटा मिनट ठीक है आई हैव टू चेक द आंसर टू दिस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ठीक है हाँ वॉट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन वेट वेटा मिनट ठीक है वैसे तो सही होगा ये हम लोगों ने सच कुछ पाप किए तो है नहीं इसमें बट आंसर मैच करना हमारा परम कर्तव्य है ठीक है और वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं है ना ये पूछा जा रहा था ना हम लोगों से Uh, is the length of each train? Uh, अच्छा अच्छा it is also given. Oh, 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 oh. यार मैंने ना मैंने ना पता करा क्या है? इस वाले पार्ट को तो मैं भूल ही गया ना द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 16 किलोमीटर इन दोनों सिटीज के बीच में सोलह किलोमीटर का डिस्टेंस है ओके okay, ये वाला पार्ट में भूली गया ठीक है अभी मैंने सिर्फ क्या निकाला मैंने कहा भाई वो कितना टाइम लेंगे ठीक है

मतलब दो ट्रेन है, है, है दोनों ने एक दूसरे को सात मिनट में क्रॉस किया है तो मिनट्स को पहले सेकंड्स में क्रॉस कर दिया ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है तो स्पीड्स को भी हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फाइव 18 से मल्टीप्लाई कर लिया खत्म कहानी ठीक है तो विल डिस्कस दिस सेम क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन समझ रहे हो ना वो एक अलग क्वेश्चन बना दिया क्योंकि अब इसको पूरे को मिटा के लिखना है ठीक बहुत काम बढ़ जाएगा मेरे लिए एडिट वेडिट कराने वाला ठीक है हाँ। तो विल डिस्कस सेम क्वेश्चन इन नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन जिसको हमारा पार्ट सोलह किलोमीटर वाले पार्ट से होगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा आई नो थोड़े से स्टेप चेंज होंगे मुझे पूरा मिटाना पड़ता है बट अभी उतना छोड़ा तो नेक्स्ट क्लास में विल we'll डिस्कस 16 किलोमीटर वाला पार्ट्स का ठीक है अच्छा एक काम कर सकते हैं ना अपन लोग आप लोग क्या करो सेम क्वेश्चन है इसका

लगभग सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं क्वांट का लगभग सेवेंटी परसेंट सिलेबस ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना